इस बच्चा को क्या हुआ है? पकड़ते हो तो क्या बच्चा हल्ला नहीं करता है? नहीं सुनिए, बताते हम लोग कहीं बैठा देता है देखने के लिए, हम देख कर आते हैं चला जाता है। वो इतने बड़ा पाउडर आता है, पाउडर कितना बड़ा पाउडर? हाँ, और रूमाल में छीट देता है ऐसे में। तो इसके पास आज पाउडर नहीं था, पाउडर कहाँ गया इसका? तुम बता नहीं रहा। तुम जब वो बच्चे को अभी आज जो ट्रेन में बच्चे को उठाया, तो पब्लिक तुमको पकड़ के दिया ना मुझे, बच्चा चोरी में पकड़ के दिया कि नहीं दिया? पकड़ के दिया ना, तो उस बच्चे को तुम उठा के तुम कहाँ उतर के भाग रहा था? सरये के बीच में। वहाँ से कैसे जाता घर, कैसे जाता, कहाँ ले जाता बच्चे को? तुमको मेरे को पब्लिक पकड़ के दी ना, बच्चा चोरी करते हुए पकड़ के दी कि नहीं दी? हाँ या ना? आज क्या हुआ है? आज हम लोगों को कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि गाड़ी संख्या 2188 में बार बार ACP हो रहा है, कोई चोर पकड़ाया है। उक्त सूचना पे हम और GRP प्रभारी श्री बबन सिंह अपने स्टाफ के साथ वहां पर पहुंचे, तो वहां पर यात्री लोग एक आदमी को पकड़ के रखे थे और बता रहे थे कि ये बच्चा चोरी करके भाग रहा था, जिसको पकड़ने के लिए ACP किया गया। उक्त व्यक्ति से पूछे तो ये व्यक्ति था, ये अंजू गिरीश का नाम है। ये बताया कि हमारा 18 आदमियों का बड़ा गिरोह है, हम लोग बच्चा चोरी करते हैं और उसकी किडनी निकाल के बेचते हैं। हमारे और भी साथी हैं जो पीछे किसी ट्रेन से आ रहे हैं। हम लोग फिर जाकर दूसरी ट्रेन आई जम्मू तभी, उसके पिछले सामान कुछ को चेक किए तो उसमें इसके 3 साथी मिले। उन लोगों से ही पूछताछ किए तो उन सभी ने स्वीकार किया कि हाँ, हम बच्चा चोरी करने में अंजू गिरी के साथ सहयोग करते हैं। तब हम लोग दोनों थाना प्रभारी इन सभी को गिरफ्तार करके यहाँ लाए और पूछताछ किए तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अभी हम लोग संयुक्त रूप से फिर छापामारी करके और भी गिरोह में शामिल सदस्यों की धरपकड़ करने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी सफलता हाथ लगेगी। UP में अभी कल न्यूज में सुन रहा था ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो उसको लेकर के हमको ये हुआ, फिर मैं भी आया इनको इंट्रोगेट किया। तो इनका बहुत लंबा गैंग है जो, तो अभी बता रहे हैं कि इधर बिहार झारखंड इस सब में काम कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये और भी आगे काम कर रहे होंगे। जो गैंग है उससे किडनी निकालना और सेल करना, इसमें डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं और भी काफ़ी गैंग है। वो जाँच में आएगा, सभी लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा केस है इनका। इतना एक गंभीर अपराध ऐसा जो है कि बच्चों को पकड़ना और उनको मारना, फिर किडनी निकालना, मतलब ये बहुत ही गंभीर तरह का अपराध है।